हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शिशांक और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैंने बहुत पहले वीडियोस बनाना छोड़ दिया था क्योंकि मुझे कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था और सीओसी में से मेरा इंटरेस्ट हट गया था। तो आज मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो गेस करो क्या सिखाऊंगा। क्यूब सॉल्व करना। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसके सारे पार्ट्स जानने चाहिए, जैसे कि है ना, अगर मेरा फेवरेट ऑरेंज है ना, तो इसे अगर हम टॉप मांग ले ना, तो टॉप को ना, अगर मैं बोलू टॉप तो मतलब इसे क्लॉकवाइज घुमाना है, टॉप प्राइम तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये फ्रंट है, फ्रंट तो क्लॉकवाइज, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये राइट, राइट मतलब क्लॉकवाइज, राइट प्राइम मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये बॉटम, बॉटम मतलब क्लॉकवाइज वरना एंटी क्लॉकवाइज। बैक भी और लेफ्ट भी ऐसे चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना होगा प्लस, जो मैच करेंगे ऐसे। जैसे कि हमें सबसे पहले बनाना है ऑरेंज और वाइट, तो हमें वो पार्ट ढूंढना पड़ेगा। जैसे ये यहाँ पर है तो ये इसके नीचे है, चलो अच्छी बात है। पर अगर हम इसे ऊपर की तरफ ऐसे टिल्ट करेंगे तो ये रॉन्ग पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बॉटम प्राइम पे जाना पड़ेगा, फिर लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट प्राइम एंड फ्रंट। तो देखो ये बन चुका है। और अब हमारा नेक्स्ट है ऑरेंज और ब्लू। चलो ये है तो अच्छा है, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट ऑरेंज एंड येलो, तो चलो ढूंढते हैं उस पीस को। ये रहा ऑरेंज, ये रहा येलो, ये रहा और ये पीस, ये रहा। तो इसे इधर कर दिया तो ये भी रॉन्ग पोजीशन पे है। तो हम एकदम सेम टू सेम स्टेप करेंगे जैसे हमने स्टेप फर्स्ट करा था। ऑरेंज येलो, ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज वाइट और लास्ट ऑरेंज ग्रीन। चलो ये पीस ये रहा, तो ये भी गलत साइड है। तो सबसे पहले हम नीचे ले जाएंगे और बॉटम लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। फिर अगर हम इसे ऐसे करेंगे तो हमारा क्रॉस खराब हो जाएगा, लेकिन उसकी चिंता मत करना। तो फिर लेफ्ट प्राइम एंड फ्रंट, तो ये हमारा क्रॉस खराब हो चुका है। लेकिन अब देखिए इसका पीस यहाँ पर ही है, बस जिसकी वजह से हम अगर ऐसे घुमाएंगे तो हमारा प्लस रेडी हो जाएगा। तो अब बारी है कॉर्नर्स की, जो होंगे ऐसे। जैसे कि फर्स्ट कॉर्नर है ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन, तो हमें वो पीस ढूंढना है। देखो ये रहा ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन, तो हमें सबसे पहले इसे वहाँ पे ले जाना होगा जहाँ पे हमें इसे करना है। तो ये आ गया है। तो अब आपको सिर्फ ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फ्रंट प्राइम, बॉटम प्राइम, एंड फ्रंट। तो ये पीस हो चुका है। अब नेक्स्ट ऑरेंज ग्रीन एंड येलो, तो चलो ढूंढते हैं
ऑरेंज ब्लू येलो है ये तो। कहाँ गया बच्चे, मिल जाओ जल्दी जल्दी। ये रहा, तो सबसे पहले हमें उधर ले जाना है जहां पे हमें इसका काम करना है, मतलब यहां पर। तो सबसे पहले हम इसे नीचे टिल्ट करके ये नीचे हो गया और वहां पे कोई असर नहीं पड़ा। तो हमने इसे वहां पे पहुंचा दिया जहां पे हमें इसका काम करना था। तो ये फ्रंट साइड में है तो हमें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। बॉटम प्राइम, राइट प्राइम, बॉटम राइट। तो देखो ये भी हो चुका है। अब और कौन सा सही नहीं है, ये वाला और ये वाला। तो सबसे पहले हम ऑरेंज येलो और ब्लू का करेंगे जो कि यहाँ पर है। तो हम इसे नीचे ले जाएंगे, ये आ गया, और वही स्टेप्स दोहराएंगे। बॉटम प्राइम, राइट प्राइम, बॉटम राइट, ये हो गया। और लास्ट पीस है हमारा ये वाला जो कि यहाँ पर है। तो हम इसे उधर ले जाएंगे जहाँ पे हमें इसका काम करना है, और ये इधर है जो कि फ्रंट पे नहीं है। तो हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, राइट प्राइम, बॉटम प्राइम, राइट। और ये हमारा पूरा हो गया है, और ये भी। अब जो है हम बनाना है टी ऐसे, जिसमें हमारा ये बॉटम कलर नहीं होना चाहिए। जैसे कि ग्रीन और रेड होगा तो हमारा टी नहीं बन सकता। तो हमें वो पीसेस ढूंढने जहाँ पे बॉटम कलर ना हो। येलो रेड नहीं हो सकता, ग्रीन रेड नहीं हो सकता, रेड वाइट नहीं हो सकता, ऑरेंज रेड भी नहीं हो सकता। वाह भाई वाह। तो चलो यहाँ पे कोई पीसेस नहीं है तो हम खुद, तो सारे पीसेस इधर होंगे ना, 1, 2 और 3। तो हमें एक को नीचे लाना पड़ेगा। इसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करना है, बॉटम प्राइम, राइट प्राइम, बॉटम प्राइम, राइट, बॉटम, एफ एफ और बॉटम और एफ प्राइम। तो हमारा आ गया है ये पार्ट नीचे। तो हमारा वाइट टी बन गया है। तो हमें इस पार्ट को इधर स्वैप करने के लिए ये मूव्स अप्लाई करने पड़ेंगे, बी एल बी एल प्राइम बी प्राइम एफ प्राइम बी प्राइम एफ। तो ये पीस सही हो गए हैं। तो अब हमें नेक्स्ट पीस चाहिए। चलो यहाँ पे बॉटम कलर नहीं है और यहाँ पे टी भी बना हुआ है, तो हमें इस पार्ट को इधर स्वैप करना है। हमने पहले वाला इधर स्वैप करा था लेफ्ट साइड में, बट अब हमें राइट साइड में करना है। तो बस हमें इन्वर्टेड फॉर्मूलेज करने हैं, जैसे कि बी प्राइम, राइट प्राइम, बी प्राइम, राइट, बी, एफ, बी,
एंड एफ प्राइम। तो ये पार्ट हमारा स्वैप हो चुका है और ऐसे ही हमें दूसरे करने हैं, जैसे कि ये कलर नहीं मैच हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो लास्ट का कलर बचा है ये इन्वर्टेड है। तो हमें पहले वाले फॉर्मूला करना है जो हमें ये पार्ट्स नीचे लाने थे। तो बी प्राइम राइट, बी प्राइम आर, बी एफ, बी एफ प्राइम। ओके, तो हमारे हैं यहाँ पर, तो हमें ये फ्रंट में है और ये ग्रीन कलर का है, तो हमें ग्रीन टी बनाना है। तो हम इसे ग्रीन के पास ले जाएंगे। तो ये हमारा ग्रीन टी बन गया और हमें राइट साइड में स्वैप करना है इसे। तो बॉटम प्राइम राइट प्राइम, बॉटम प्राइम राइट, बॉटम एफ फ्रंट, बॉटम फ्रंट प्राइम। एक सेकेंड, यस। तो हमारे ये हो गया और ये हो गया, चारों साइड हो चुकी हैं। अब हमें बॉटम को सॉल्व करना है क्योंकि हमारे सारे पीसेस हो चुके हैं। अब बॉटम कलर है रेड, तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहला होता है फॉर्मूला एफ टॉप राइट, टॉप प्राइम राइट प्राइम एंड एफ प्राइम। तो हमारा इधर प्लस बन चुका है और अगर हमारा बैकवर्ड एल होता है इन दोनों पीसेस के बजाय, सिर्फ बैकवर्ड एल जो पहले था वो आपको बताना भूल गया, तो हमें बैकवर्ड एल से ही ये बनाना पड़ता है। नहीं तो ये फॉर्मूला आप रिपीट करते जाओ, बैकवर्ड एल आ ही जाएगा या तो प्लस ही बन जाएगा, चलो कोई बात नहीं। अब हमें ऐसे फ्रंट की तलाश है जिसमें कोई रेड ना हो, जैसे कि यहाँ पे रेड है, यहाँ पे नहीं, बाकी सब में भी रेड है। तो जहाँ पे रेड नहीं है तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आर टॉप आर प्राइम टॉप राइट टॉप टॉप आर प्राइम। तो हमें एक कॉर्नर पीस मिल गया, तो हम इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे, ये लेफ्ट साइड में है, तो हम यही स्टेप फिर से दोहराएंगे, राइट टॉप राइट प्राइम टॉप राइट टॉप राइट प्राइम। तो हमारा ये रेड सॉल्व हो चुका है। अब बारी है फ्रंट कॉर्नर्स की, यहाँ पे कोई मैच नहीं कर रहा है, हमें बस दो मैचिंग कॉर्नर चाहिए, इसके लिए हमें ये फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, आर प्राइम फ्रंट आर प्राइम बैक बैक आर एफ प्राइम
राइट प्राइम, बैक बैक, आर एंड आर। तो हमें मैचिंग कॉर्नर्स मिल गए, ये रहे। तो हमें ये इधर पॉइंट करके ऐसे अपोजिट साइड में लाना है, ये अपोजिट साइड, और हमें यही स्टेप फिर से करना है। आर प्राइम एफ, आर प्राइम बैक बैक, आर एफ प्राइम, आर प्राइम बैक बैक, आर एंड आर। सो हमारे पास अब सारे मैचिंग कॉर्नर्स हैं। तो जो डन हो गया है, जैसे कि येलो, तो हमें उसके अपोजिट जाना है। अगर कोई डन नहीं हुआ है तो कहीं से भी कर लो। तो ये डन हो गया है, हम इसके अपोजिट में हैं, तो हमें ये स्टेप करना है। एफ एफ यू टॉप, मतलब राइट प्राइम लेफ्ट, एफ एफ आर एल प्राइम टॉप एंड एफ प्राइम एफ प्राइम। सो हमारा क्यूब हो चुका है सॉल्व। अगर आपको डिजाइन बनाना है तो ये सब फॉलो करो। आर लेफ्ट प्राइम टॉप टॉप बॉटम बॉटम लेफ्ट प्राइम आर एंड फ्रंट फ्रंट बैक बैक। तो देखो क्या डिजाइन बना यार। और अगर आपको वापस फिर से लाना है तो वही स्टेप फिर से कर दो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करने का मन हो तो वो भी कर देना यार।